जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम देवेश कुमार पांडे है और इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही खास तरीके का वीडियो। अभी हाल ही के दिनों में मैंने एक प्रयास किया है कि आपके लिए इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन पे पोल के माध्यम से जानकारी साझा किया जाए। तो हमने एक सवाल किया था आपसे, भारतीय संविधान के अनुसार बिजली इलेक्ट्रिसिटी किस सूची के अंतर्गत आता है। हमारे विकल्प थे, पहला संघ सूची यूनियन लिस्ट, दूसरा था राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और तीसरा था समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। तो इस पे आप लोगों ने अपना काफी अच्छा वोट दिया। कुछ लोगों का हालांकि प्रश्न के विकल्प होते हैं, तो कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया। तो हम पूर्ण रूपेण सही जवाब जानने का और उससे संबंधित यह कार्य होता क्यों है, कैसे है, क्योंकि देखिए कुछ लोगों ने राज्य सूची बताया, संघ सूची बताया, तो मैं उनके भी भावनाओं की कद्र करता हूं और समझ सकता हूं कि आखिर उन्होंने ऐसी बात कही क्यों। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि जो लोगों ने वोटिंग किया उनका वोटिंग परसेंटेज क्या था। देखिए, संघ सूची के बारे में हमारे पास जो वोटिंग परसेंटेज आया था वो था 4%, राज्य सूची के लिए 86% था जो सबसे ज्यादा था, और समवर्ती सूची के लिए 11% था। आपको मैं बता दूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं भी आज से लगभग 7 साल पहले यही जानता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है राज्य सूची का विषय है, क्योंकि हम अक्सर सुनते आए हैं कि यूपी सरकार ने या बिहार सरकार ने या कोई भी सरकार का पावर कॉर्पोरेशन होता है वो संघ के यानी स्टेट से वो खरीदता है। स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब जब भी एजुकेशनल स्टेट्स की बात होती है तो स्टेट्स को हम केंद्र मानते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो फाइनली, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसका सही जवाब होगा समवर्ती सूची। तो आज का विषय और आज का वीडियो इसी पे है कि आखिर क्यों है, इसका कारण क्या है, और इसकी प्राचीन और वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में हमारे विद्युत और ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित पूरा क्रियान्वयन क्या है, इसको हम बारी बारी से समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि आपके पास सबसे पहले अपडेट और पोल पहुंचता रहे। एक बात और कि आप सारे पोलों पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहें। अगर आप पोलों पे प्रतिक्रिया, अगर गलत या सही जवाब देंगे तभी हम आपके लिए वीडियो ला पाएंगे और उसमें आपको मैं सही जानकारी देंगे जो आपके प्रयोग परीक्षा उपयोगी और इंटरव्यू उपयोगी दोनों ही प्रयोग से आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा जगह कम पड़ेगा तो मैं नीचे ऊपर वाला मिटाते जाऊंगा, आप इसे नोट डाउन करते जाएंगे। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत आजाद हुआ था। इससे एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो में ये क्यों बता रहे हैं। देखिए, स्टैटिक जीके भी साथ साथ कोरिलेशन जरूरी है, तो आप जोड़ते हुए चले, अत्यधिक जानकारी आपके लिए लाभदायी होगा। 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ 1360 मेगावाट बिजली आपूर्ति होती थी। आज 70वें दशक में आज हम हैं और आज हमारे यहां बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे यहां 1,70,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हम करते हैं। तो वहां से लेके यहां तक के आने का कार्यकाल बिजली और ऊर्जा मंत्रालय का कैसा रहा, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जगह थोड़ी छोटी पड़ रही है तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूं ताकि आपको सुविधा रहेगी। देखिए, विषयों को समझने का प्रयास करिए, क्रम, और ऐसा नहीं है कि आपको चीजों को याद करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप उसके कड़ी को जोड़ते जाते हैं ना, कोई भी चीज पहले पुराना होता है। इसीलिए कहते हैं कि इतिहास और संविधान से हमें चीजों की जानकारी मिलती है, सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। हमने बताया कि जब हमारा भारत आजाद हुआ तो इस विषय को लिखना बहुत जरूरी है हमें। 15 अगस्त 1947 को आप नहीं भूलेंगे और उस समय की परिस्थिति को नहीं भूलेंगे। आजादी के आज हम 74वें और 75वें वर्ष में हैं और तत्कालिक परिस्थिति क्या थी उस समय के। हमारे जो ऊर्जा मंत्री थे ना, ऊर्जा मंत्री जो थे वो थे वी एन गाडविल थे। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि उस समय तक 1360 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था, वर्तमान समय में 1,70,000 मेगावाट होता है। इसे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके परीक्षा के अलावा आपका अगर इंटरव्यू वगैरह प्रश्न में भी पूछे जाते हैं अक्सर कि पहले कितना था वर्तमान में कितना है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। बड़े खुशी की बात है कि वर्तमान में हमारा मेगावाट तो बढ़ता जा रहा है, ये हमारा प्रोग्रेसिव मोड पे है, लेकिन जो प्रारंभ होता है ना वो शुरू वहीं से होता है। तो 1360 था, तो इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूं। उसके बाद देखिए क्या हुआ,
पहले बताया कि हमारे ऊर्जा मंत्री थे, तो ऊर्जा मंत्री ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ही विद्युत मंत्रालय आता था। लेकिन 22 जुलाई सन 1992 से इसे स्वतंत्र रूप से अधिकार दे दिया गया विद्युत मंत्रालय के अधीन। विद्युत मंत्रालय हमारा विद्युत संबंधित कार्यों को निर्वहन करेगा, विद्युत मंत्रालय, और यहां से वह ऊर्जा मंत्रालय से अलग हो गया। डेट है 22 जुलाई 1992 से, याद करेंगे इसे। सारी विषय जितना मैं लिखते जा रहा हूं सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ आप याद करेंगे और उसे नोट डाउन करेंगे। ऊर्जा मंत्री हमारे पहले थे बीएन गाडविल, 22 जुलाई 1992 के दिन ऊर्जा मंत्रालय अलग हुआ। अब हमारा भारत का संविधान हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण बन के तैयार हुआ। तो चूंकि देखिए सभी चीजों का सोर्स है, हम मानते हैं कि हमारा भारत का जो संविधान है ना वो हमारे भारत के कानून की, हमारे जीवन की जननी है, हम उसी के माध्यम से सारे विषयों को जानते हैं और हमारा प्रश्न भी उसी से संबंधित है। क्योंकि जब हम बात करते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की, तो ये भारतीय संविधान से ही संबंधित है। और आप सभी लोग जानते होंगे और हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम संविधान को पढ़ते हैं तो ये सब विषयों के नाम हमारे सामने आते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और हमारा प्रश्न भी यही था। तो मैं आपको यह बताऊंगा पूर्ण रूपेण कि आखिर यह समवर्ती सूची मैंने कह क्यों दिया और है कैसे। तो देखिए इसके थोड़ा सा मेरा बोर्ड छोटा है तो इसके लिए आप नोट डाउन करते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप वीडियो को कि उस जगह को मिस कर दे रहे, आप थोड़ा सा पीछे करके उसको देख ले, उसमें लोड ना ले जा दे। तो ये आपका संविधान की 7वीं अनुसूची, इसे भी आप नोट करेंगे, इसे मैं थोड़ा धीरे धीरे लिख दे रहा हूं, 7वीं अनुसूची के तीसरे सूची के 38वें प्रविष्टि में। देखिए बहुत खास विषय मैं आपको बता रहा हूं, खास विषय मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये विषय आपको बहुत ही कम मिलेगा। 7वीं अनुसूची के तीसरे सूची के 38वें प्रविष्टि में संविधान की यह बताया गया है कि हमारा जो विद्युत मंत्रालय होगा वो समवर्ती सूची का विषय होगा, समवर्ती सूची का विषय होगा। तो भारतीय संविधान यदि किसी चीज के लिए बता दे कि ये यहां के लिए होगा तो उसे कौन टाल सकता है। अच्छा, जिन लोगों ने संघ सूची या राज्य सूची के बारे में बताया है वो भी गलत नहीं है, उनके बारे में भी बता दूं या आप सभी लोगों को एक इंफॉर्मेटिव जानकारी दे दूं। देखिए समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिसपे संघ और राज्य अर्थात केंद्र और राज्य दोनों की ही एक शक्ति बटी हुई, यानी कि दोनों का उस पर अधिकार हो। तो ये था विषय जिससे हम जानेंगे कि ये समवर्ती सूची का विषय। अच्छा, जिन लोगों ने राज्य सूची संघ सूची के बारे में टिक किया था और जिन मानसिकता से किया था, तो मैं बता दूं कि आप भी गलत नहीं सोच रहे थे। मैंने बताया ना कि मैं भी आज से 5 साल पहले यही जानता था कि ये राज्य सूची का विषय है। देखिए एक बात जान लीजिए, समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिसपे केंद्र और राज्य दोनों का ही स्वय अधिकार हो, मतलब बराबर अधिकार हो। बराबर का मतलब बिल्कुल 50-50% नहीं, लेकिन उस पर अधिकार रहता है। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत सरकार किसी भी दूसरे देश से बिजली आपूर्ति के लिए लेती है। हम अक्सर नेपाल और भूटान पर आश्रित रहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम भूटान को बिजली देते भी हैं, निर्यात भी करते हैं, नेपाल से हम बिजली आयातित करते हैं। इस विषय में व्यापक जानकारी के लिए हम कभी अगली वीडियो बनाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस चीज को बताएंगे कि हमें इससे संबंधित बिजली के बारे में वीडियो चाहिए तो हम बिल्कुल प्रयास करेंगे, और आपके कमेंट और आपके लाइक के सराहना पे ही हम कार्य करते हैं, बाकी कोई अलग माध्यम नहीं है हमें बताने का। चलिए तो संघ सूची के बारे में हो गया। राज्य सूची, हमारे राज्य में जब बिजली की आपूर्ति कम होती है तो हम किस पे निर्भर रहते हैं, संघ पे, संघ से लेते हैं। अति आवश्यक कार्य पड़ने पे संघ राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी दूसरे देश से भी बिजली ले सकता है। समवर्ती सूची का विषय मैंने आपको बता ही दिया, तो इसका मतलब जिस कार्य के लिए संघ और राज्य दोनों ही स्वतंत्र हैं उसे हम समवर्ती सूची के विषय में डालते हैं। बहुत से ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची के अंतर्गत हैं, उन पे अलग अलग से वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसी मानसिकता के साथ संघ और राज्य सूची लगाए होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि इसका जो सही आंसर होगा वह समवर्ती सूची होगा। एडिशनल तथ्य के रूप में मैं बता दूं, मैंने आपसे बताया है कि स्वतंत्रता के समय हमारे विद्युत मंत्रालय नहीं रहा करता था, ऊर्जा मंत्रालय हुआ करता था। तो उस समय के ऊर्जा मंत्री कौन थे, उस समय के ऊर्जा मंत्री थे वीएन गाडविल,
वीएन गाडविल और वर्तमान समय के विद्युत मंत्रालय के मंत्री हमारे कौन है, विद्युत मंत्रालय के मंत्री हमारे हैं श्रीकांत शर्मा जी हैं, ठीक है, श्रीकांत शर्मा जी। और विद्युत मंत्रालय हमारे संपूर्ण देश में विद्युत उत्पादन और के लिए उत्तरदायी है और वो पूरा प्रयास कर रहा है। देखिए प्राचीन समय में आज से लगभग 5 साल पहले हमारे यहाँ बिजली की आपूर्ति कम हुआ करती थी, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में भी आप विषयों को छोड़ के आप अगर इस बात पे केंद्र करें कि हमारा देश किधर की ओर बढ़ रहा है, किस दिशा की ओर, पार्टी को छोड़ के, तो आप देखेंगे कि हमारे पास पहले से बहुत ज्यादा चीजें उपलब्धता बढ़ रही है। तो सराहनीय कार्य है यह विद्युत मंत्रालय द्वारा और आप सभी प्रयास करते रहें कि अच्छा कार्य हो और इसके लिए आप सभी उत्तरदायी बने, आप अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी जानकारी रखें ताकि आप भी भविष्य में उस जगह पे जाके अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं। और कुछ भी देखिए किसी भी जगह से होता है ना, एक लास्ट मोटिवेशन बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि देश सेवा सिर्फ एक जगह से नहीं होती है, देश सेवा आप कहीं भी किसी भी जगह पे बैठ के कर सकते हैं। अगर आप देश के लिए कोई भी ऐसा कार्यक्रम या कार्य कर रहे हैं जिससे हमारा देश उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है, आप देश सेवा कर रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, आप कमेंट करके आप अपनी विषय और चर्चा और संबंधित सुझाव जरूर प्रस्तुत करिएगा, उसे हमें सराहना मिलेगी, उससे हमें कार्य क्षमता करने की वृद्धि होती है। लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, अच्छी जानकारी एडिशनल तथ्य भी हम आपके सामने लाते रहेंगे, हमारा पूरा प्रयास रहेगा, इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन की टीम का पूरा प्रयास रहेगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।